जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से विराट कोहली का बयान काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की ओडीआई सीरीज से पहले सबके बीच विराट कोहली ने अपनी मन की बात रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच 23 मार्च को पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेला जाना है। तो मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली से पूछा गया कि क्या टीम या खिलाड़ी ने उनकी आलोचना पर प्रतिक्रिया दी। इस पर कोहली ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे करियर के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक बाहर मेरे बारे में मूर्खतापूर्ण बातें करते रहते हैं। कोई किसी खिलाड़ी के बारे में क्या और क्यों कहता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, बेहतर ये है कि उनके सबको पीछे ही छोड़ दिया जाए। हम अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं और उन्हें शांति ही देना चाहते हैं। बता दें दोस्तों, उन्होंने कहा कि फॉर्म और ख़राब फॉर्म को लेकर एक ही चीज़ मुझे समझ में आती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट के बाहर लोगों के अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है, लोग खिलाड़ी को फेल होते देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली की यह टिप्पणी पूर्व भारतीय बल्लेबाज जो वर्तमान कमेंटेटर संजय मांजरेकर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कोहली को जवाब देते हुए कहा कि बाहर कही गई बातें जिन्हें विराट नॉनसेंस बताते हैं, मूल रूप से पब्लिक की ही बातें होती हैं। जब आप अच्छा फॉर्म करते हैं तो पब्लिक उसकी तारीफ करती है, और विराट कोहली को इस यथार्थ को शांति और परिपक्वता के साथ स्वीकार करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जानते थे कि किस प्रकार से फैंस की डिमांड क्या है। दोस्तों, आपको फैंस ही इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। अगर आपके पास फैंस का प्यार नहीं होगा और आप उन्हीं को मूर्ख बता देंगे, उन्हीं को बता देंगे कि ना जाने कौन सी बातें करते हैं, तो फैंस आपका सपोर्ट क्यों करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने कहा कि क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में वह पारी शुरू करेंगे ताकि सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों को मौका मिल सके। ये विराट कोहली की अच्छी सोच है, लेकिन दोस्तों, संजय मांजरेकर का ये बयान साफ जताता है कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में क्या अंतर है। विराट कोहली मैदान पर रहते हुए कई बार सच्चाइयों को कबूल नहीं कर पाते, जबकि महेंद्र सिंह धोनी उन्हीं सच्चाइयों को कबूल करते हुए उनका निष्कर्ष निकालते थे। इसी वजह से उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता था। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि भले ही विराट कोहली रिकॉर्ड्स कई तोड़ रहे हों, लेकिन जो मन में चल रही बातें होती हैं, जो लोगों के प्रति बातें होती हैं, उनका जो निचोड़ निकल कर सामने आता है, वो विराट कोहली अभी तक सही से जान नहीं पाए हैं, ऐसा संजय मांजरेकर की बयान साफ करता है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्या विराट कोहली कप्तान के रूप में टीम इंडिया के लिए सही साबित हो रहे हैं या नहीं, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।